हेलो एवरीवन, ये है ओप्पो रेनो 8 प्रो जो फिलहाल ही लॉन्च हुआ है। काफ़ी मज़ेदार स्मार्टफोन है और लुक्स और डिज़ाइन में भी काफ़ी मज़ेदार है। बैक साइड के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और फ्लैश लाइट आपको भी काफ़ी अमेजिंग मिलेगी। वजन की बात करें तो दोस्तों 190 ग्राम से 7.34 mm थिकनेस है। इसकी बैक साइड में आपको ग्लास मिलेगा और मेटल फ्रेम है। बॉटम साइड में स्पीकर, टाइप सी यूएसबी पोर्ट, माइक होल और सिम ट्रे। ऊपर की तरफ आपको सेकेंड रो माइक्रो होल मिलेगा। लेफ्ट साइड के अंदर वॉल्यूम डाउन अप की और फुल बॉक्सी फ्रेम है गाइज। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारे पास में डमी फ़ोन आया तो हमने इसका वीडियो बनाना समझा सही, क्योंकि हमने सोचा कि सबसे पहले आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन एंड लुक्स ज़रूर दिखाए जाए और मेन हाईलाइट फीचर्स बताए। और फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे पास में ये वाला स्मार्टफोन आता है हम इसका फुल यूज़ करके और रिव्यू करेंगे आपके सामने और कैमरा टेस्ट भी करेंगे। सेल्फी कैमरा इन डिस्प्ले में आपको 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है दोस्तों, मीडियाटेक डायमंडसिटी 8100 मैक्स प्रोसेसर है। इसमें आप गेमिंग लेवल तो काफ़ी अच्छी कर पाओगे। 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आती है 18 वॉट चार्जर के साथ में। तो भाई चार्जर इसमें आपको काफ़ी कमाल का मिलेगा। डिस्प्ले 6.7 इंच की FHD प्लस एमुलेट रिफ्रेश रेट मिलती है 120 हर्ट्ज़ और टच सैम्पलिंग रेट है 240 हर्ट्ज़। HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है। 1000 नीट्स ब्राइटनेस पीक लेवल है गाइज, तो डिस्प्ले ओवरऑल काफ़ी मज़ेदार है। और अब बात करते हैं ओप्पो रेनो 8 की। तो दोस्तों इसमें आपको भी बैक साइड के अंदर मैट फिनिशिंग मिलेगा और ट्रिपल रियर कैमरा है। लुक्स और डिज़ाइन में यह भी काफ़ी मज़ेदार है। और गाइज बॉक्सी फ्रेम है, काफ़ी लाइट वेट है और सेल्फी कैमरा आपको लेफ्ट में दिखाई देगा इन डिस्प्ले में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी लाइट वेट है। बॉटम साइड के अंदर आपको सिम ट्रे एंड USB पोर्ट, स्पीकर मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको सेकेंड रो माइक्रो होल और कैमरा लेआउट दोनों ही स्मार्टफोन में बाहर की तरफ देखने को मिलता है, फुल बॉक्सी फ्रेम है। तो दोस्तों आज हमारे पास में ये स्मार्टफोन आ जाएंगे तो हम इसका एक दो दिन में फुल यूज़ करके रिव्यू करेंगे। दोनों स्मार्टफोन में 18 वॉट सुपरवूक चार्जर मिलता है। इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमंडसिटी 1300 प्रोसेसर मिलता है जो कि फ्लेक्सिबल लेवल स्मार्टफोन है गाइज। कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन कैसे लगे, और ये भी कमेंट करें कि हम इन दोनों स्मार्टफोन का क्या क्या कैमरा टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट क्या जल्दी आपके सामने लेके आएँ और फुल रिव्यू भी करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।